हेलो बच्चों, जैसे कि आज आप लोगों का एग्जाम था तो उसी के पेपर को डिस्कस करते हैं बच्चों, एक एक करके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, द हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके पेपर में आया था, द हाइड्रोकार्बन C3H6 इज ट्रीटेड विद HBr, C3H6 इज ट्रीटेड विद HBr, HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड एक्स आपका फॉर्म होता है। अब कंपाउंड एक्स आपका किसके साथ बच्चों, अल्कोहलिक मीडियम, अमोनिया इन अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो वाई प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, आपको वाई बताना है। दिस इज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका काफी इजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर अप्रोच लगाओगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डील करना है। अगर मैं इसका DOU निकालूं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो कैसे निकालूंगा, यहां पर ध्यान से समझो। DOU, तीन कार्बन के साथ आपके कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे बच्चों, तीन कार्बन के साथ आपके 8 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, उसमें से कितने 6 है और डिवाइड बाय 2, टोटल कितना हो गया बच्चों यहां पर आपका DOU 1, मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, और तीन कार्बन का आपका रिंग, या तो आपके तीन कार्बन में एक साइक्लिक रिंग होनी चाहिए थी, इस तरीके से हो सकता है। इसका भी DOU आपका 1 होगा और इसका भी DOU आपका 1 होगा। ठीक है, इसका भी DOU आपका क्या हो जाएगा, 1, और इसका भी DOU आपका 1 हो जाएगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपका HBr के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो आपका ये वाला पॉइंट होगा। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैं HBr के साथ कराऊंगा तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, Br। नाउ एल्कोहलिक NH3 के साथ बच्चों यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका हो जाएगा यहां पर। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यहां पर आपका NH2 अटैक करेगा BR की जगह, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर समझना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है बच्चों, 27 क्वेश्चन बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है, एरोमेटिक कंपाउंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जो आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूँ बच्चों एक बार अच्छे से, इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको कई बार कराया भी है बच्चों। NO2 ये आपका NCERT में भी सिमिलर क्वेश्चन आपके NCERT में इंटेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, आप लोग वहां पर भी देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। HCl के साथ हीट करेंगे, ठीक है, यहां पर ए प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर CH3COCl के साथ करेंगे तो यहां पर बी प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पर अगर मैं Br2 और H2O के साथ करूंगा, Br2 और H2O के साथ करूंगा तो सी प्रोडक्ट बनेगा। नाउ अब आपको ABC प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जैसे ही मैं SN2HCl के साथ करूंगा तो आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन, यहां पर आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा, और रिडक्शन रिएक्शन होगा तो यहां पर NH2, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से यहां पर CHO फॉर्म हो जाएगा। नाउ CH3COCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आपको यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था एनिलीन क्या होता है बच्चों, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होता है, और इसको डीएक्टिवेट हम किसके प्रेजेंस में करते, इसके प्रेजेंस में या फिर पिरिडीन या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड लेके भी हम इसको डीएक्टिवेटेड ग्रुप में कन्वर्ट करते, एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू भी हम इसको इसमें कन्वर्ट करते। थोड़ा सा इस चीज को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। अब यहां पर क्या होगा देखो, यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है कि यहां पर ये आपका न्यूक्लियोफिलिक साइड है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक साइड है तो यहां पर आपका देखो ये आपका इस तरीके से, ये आपका ओ, ये ऊपर जाएगा तो यही आपका यहां अटैक करेगा। ठीक है, यहां अटैक करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, CO, यहां पर आपका NHCOCl, यहां पर आपका बन जाएगा NHCOCl, और यहां पर आपका CHO। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन बी। अब नाउ इसका Br2 और H2O के साथ कराएंगे तो Br2 और H2O के साथ कराएंगे तो अब आप देख सकते हो ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और आपका यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, तो यहां से आपका कौन बाहर निकलेगा, Br+। Br प्लस आपका कहां अटैक करेगा, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्थो प्रोपोजिशन इन दिस कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई Br अटैक ऑन
ऑर्थो साइड, बीआर आपका ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करेगा, ठीक है। यहां पर आपका एनएच, अब देखो यहां पर सीओसीएल, अब देखो यहां पर H2O के साथ जैसे ही इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका H2O के साथ रिएक्शन करके एलिमिनेट होगा और पुराना आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होकर ये आपका बाहर निकल जाएगा और यहां पर आपका CHO आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ये आपका काफी इजी क्वेश्चन था, एक बार अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या होगा, समझते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में हमको क्या बोला बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 में चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मैं आपको एक करेक्ट एक इनकरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, आप उस हिसाब से देख सकते हो। एक आपका एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम के लिए आपको ध्यान रखना होता है बच्चों, एक्वस मीडियम के लिए एक्चुअली आपको ध्यान रखना होता है कि आपका एक्वस मीडियम में क्या होगा। देखो एक्वस मीडियम में आपका सेकेंड डिग्री, वन डिग्री और थ्री डिग्री अमाइन, ये आपका रूल चलता है। तो आप पहले ऑप्शन में देख सकते हो कि एक्वस मीडियम में आपका, यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो एक्वस मीडियम में आपका ए ऑप्शन में सेकेंड डिग्री अमाइन आपका ज्यादा है, सेकेंड डिग्री अमाइन आपका ज्यादा है वन डिग्री अमाइन से, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए एक्वस मीडियम में, हाँ। और यहाँ पर एक्वस मीडियम में यहाँ पर बोला है कि वन डिग्री अमाइन और यहाँ पर थ्री डिग्री अमाइन, बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम यहाँ पर 213, यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ यहाँ पर 231 होगा शायद से, यहाँ पर क्या होगा 231, ठीक है। अब 231 होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी ऑप्शन में आपका यहाँ पर 213 सॉरी यहाँ पर आपका 213 होगा। तो आप देख सकते हो बी ऑप्शन में आपका वन डिग्री अमाइन है, वन डिग्री अमाइन आपका ज्यादा है इस कंपेयर टू थ्री डिग्री अमाइन, करेक्ट ऑप्शन है, ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब बात करता हूँ गैसेस मीडियम की, तो गैसेस मीडियम में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली आपका स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपका अफेक्ट करेगा बेटा, ध्यान से समझना। एक्वस मीडियम में क्यों ऐसा होता है, जैसे ही मैंने नाइट्रोजन के साथ तीन सी एच थ्री बना दिया तो यहाँ पर H2O का H प्लस है, क्या ये आपका लोन पेयर इसको दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस साइड है, ये H प्लस आपका यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। जब H प्लस आपका यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा तो ये आगे कंपाउंड इस तरीके से नहीं बना सकता। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो बच्चों, काफी इजी है कंसेप्ट, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का ये आपका रूल होता है, थ्री डिग्री में हम स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट को मैक्सिमम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सी ऑप्शन देख लेते बच्चों, सी ऑप्शन गैसियस स्टेट में तो आपका नॉर्मल चलेगा, गैसियस स्टेट में जनरली यहाँ पर गैसियस स्टेट में आपका वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री, और यहाँ पर हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट नहीं देखेंगे हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जैसे आपका इंडक्टिव मेसोमेरिक। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर टू डिग्री सॉरी यहाँ पर आपका ऑर्डर होगा थ्री डिग्री टू डिग्री और वन डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CH3NH CH2CH3 यहाँ पर इस तरीके से आपका करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक दिया हुआ है CH3CH CH3 और यहाँ पर NH2, तो यहाँ पर वन साइडेड है, तो यहाँ पर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए आपका ये ज्यादा बेसिक होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, करेक्ट दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन भी आपको करेक्ट दिया हुआ है इसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक ही कंपाउंड में दो नाइट्रोजन दिए हुए, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप एक दो बार देखोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले भी जेई के लिए आप इस क्वेश्चन को टिक मार सकते हो, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका थ्री और ये आपका वन, ठीक है, इस तरीके से है।
अब देखो ये वन पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो डी लेवल ऑफ कैटालाइज हो सकता है। तो लोन पेयर एट वन नाइट्रोजन कैन डी लोकलाइज वो आपका डी लोकलाइज हो सकता है, लेकिन आपका थ्री वाला लोन पेयर मतलब लोन पेयर एट थ्री नाइट्रोजन है। हाँ, थ्री नाइट्रोजन कांट डी लोकलाइज, सो दैट्स व्हाई आपके यहां पर लोकलाइज होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, लेस। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी लेस हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी लेस जहां पर होगी उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो वन नाइट्रोजन वाले का बेसिक कैरेक्टर कम होगा एज कंपेयर टू थ्री नाइट्रोजन वाले का। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है वन नाइट्रोजन वाले का। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी। ठीक है, इनकरेक्ट हमको चेक करना था, हमने चेक कर लिया। नाउ तो अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी है, एक हद तक पेपर वैसे इजी था, पेपर में उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं दिया हुआ था। टोलुइडीन फॉर्म, अच्छा, देखो टोलुइडीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मैंने टोलुइडीन बना दिया और ऊपर NH2, इसको हम बोलते हैं टोलुइडीन, इसको हम क्या बोलते हैं टोलुइडीन, इसको हम बोलेंगे पेरा पेरा टोलु टोलुइडीन, ठीक है, पेरा टोलुइडीन। अगर इसका मैंने रिएक्शन कराया CHCl3 और KOH, इसको हम क्या बोलेंगे कार्बिलामीन रिएक्शन, कार्बिलामीन रिएक्शन। अब ये कार्बिलामीन रिएक्शन शो करेगा तो आपका यहां पर क्या बना देगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप। इसका रिएक्शन मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, आइसोसाइनाइड कार्बिलामीन रिएक्शन। आप इसका मैकेनिज्म के थ्रू भी आप कर सकते हो। यहां से आपका इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा बच्चों, कार्बीन। यहां से आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बीन। अब कार्बीन आपका यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा इस सेंटर पे, और यहां से हाइड्रोजन निकालने का काम कौन करेगा, बेस। दो बार हाइड्रोजन निकालेगा और तीसरी बार आपका यहाँ पर पहले तो एक बेस आपका यहाँ काम आएगा, दूसरा बेस आपका यहाँ काम आएगा और तीसरा बेस आपका यहाँ काम आएगा। एक बार आप इसका मैकेनिज्म लिखना और मुझे सेंड करना है स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैकेनिज्म लिख के स्क्रीनशॉट सेंड करना, ठीक है। मैंने आपको मैकेनिज्म लिखा रखा है, आप एक दो बार अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे कोई इतना इतना ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं था, जैसा मैंने सोचा था वैसा पेपर नहीं है, ठीक है, पेपर काफी इजी आया है। अब देखो विच ऑफ द सिक्वेंस रिएक्शन वुड बी बेस्ट अकम्प्लिश्ड, ठीक है, इसमें मैं देख लेता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्टी हमने इस तरीके से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका क्या जाएगा CN, और इसकी मैंने रिएक्शन करा दी किसके साथ, इसके साथ। नाउ अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देख लेते हैं। अब आपका प्रोडक्ट यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा देता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस होगा और ये आपका CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात सही है। अब P2O5 के प्रेजेंस में हीट कराने पर तो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ए ऑप्शन में P2O5 के प्रेजेंस में हीट कराने पर इसका कुछ नहीं हो सकता। देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर मैंने यहां पर P2O5 के प्रेजेंस में हीट कराया तो यहां पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने इसी की रिएक्शन, अब मैं चलता हूँ बी पाथ पे। बी पाथ पे क्या है बच्चों, 3 मोल ऑफ CH3I। अब आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर किसी को याद आ रहा होगा तो पक्का पक्का वो कर लेगा, CH2NH CH3 CH3 CH3। यहां पर आपका ये आपका प्लस साइन, यहां पर आपका आई माइनस, ठीक है, इसको प्लस यहां बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बनेगा आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, यहां पर आपका बनेगा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब यहां पर जब आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सोल्ट है तो ये आपका ईवन सीवी रिएक्शन शो करेगा। अब ये आपका ईवन सीवी रिएक्शन शो करेगा हीट के प्रेजेंस में, क्या होगा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, ये आपका यहां पर तो अल्फा ही है केवल और केवल, यहां से ये वाला ग्रुप एलिमिनेट होगा और यहां से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा,
वैसे जनरली आपका बीटा पोजीशन आपका क्या होना है ना चाहिए, देखो यहां से निकलेगा तो माइनस, बीटा पोजीशन आपका हाईली हाईली क्या होना होना चाहिए बच्चों, जहां पर बीटा पे माइनस चार्ज क्या है अनस्टेबल है, लेकिन आपका बीटा पोजीशन जब आपका अलग अलग होगा तो बीटा पोजीशन आपका हाईली स्टेबल होना चाहिए, बीटा पोजीशन आपका क्या होना चाहिए बच्चों हाईली स्टेबल, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल पोजीशन है इसलिए ऐसा है। यहाँ पर भी अगर CH3 CH2 CH3 होता तो यहाँ पर एल्कीन बनता ना कि यहाँ पर बनता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डील करते हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज अ क्वेश्चन एज अ कॉलम मैचिंग क्वेश्चन, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है लिस्ट वन और लिस्ट टू। अब देखो बच्चों कॉलम मैचिंग का है तो पी आपका ये बना दिया मैंने, पी आपका मैंने बना दिया यहाँ पर NH2, क्यू मैंने आपका बना दिया यहाँ पर CH3NH2, आर मैंने आपका बना दिया यहाँ पर CH3CH2NH, और एस मैंने यहां पर बना दिया आपका CH3CH2 thrice N, ठीक है। ये आपका बना दिया यहां पर आपका लिख दिया कॉप एलिमिनेशन, कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉप एलिमिनेशन वही है इवन सीबी वाला है बच्चों, कॉप एलिमिनेशन इवन सीबी वाले को ही हम बोलेंगे। अब देखो सेकंड एजो डाइफॉर्मेशन है बच्चों, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बिलामाइन रिएक्शन, कार्बिलामाइन रिएक्शन शो करेगा, बहुत बढ़िया। और येल्लो ऑयल लिक्विड विद HNO2, ठीक है। HNO2 के प्रेजेंस में येल्लो ऑयल लिक्विड बनाएगा। अब सबसे पहले ये आपका देखो यहाँ पर ये आपका क्या करेगा, सबसे पहले ये आपका कार्बिलामीन रिएक्शन को शो कर सकता है, बिल्कुल सही है, ये आपका कार्बिलामीन रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। कार्बिलामीन रिएक्शन को ये आपको शो करेगा, और देखो कार्बिलामीन रिएक्शन को शो करने के साथ साथ ये आपका एजो डाइफॉर्मेशन भी कर देगा, तो एजो डाइफॉर्मेशन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं इसको कि ये आपका क्या करेगा, ये आपका कार्बिलामीन रिएक्शन शो कर देगा, ये आपका क्या बना लेगा CH3NC, ये भी आपका कार्बिलामीन शो कर सकता है बच्चों, ये भी आपका कार्बिलामीन शो कर सकता है, और ये अगर शो करेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, अगर यहाँ पर एजो डाइफॉर्मेशन भी कर सकता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल के, यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके, अगर मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, अगर मैंने इसको डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, किसमें इसको कन्वर्ट कर दिया, डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका डाई एजो बेंजीन बना के ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एजो डाई फॉर्मेशन में, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब हम समझते हैं यहाँ पर R पॉइंट पर, तो R में क्या होगा बच्चों, R आपका HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, R आपका जनरली HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और करता भी है तो यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट बनाता है CH3, आपका ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये आपका बनाएगा CH3CH2NNO, नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, नाइट्रोसो प्रोडक्ट, और नाइट्रोसो प्रोडक्ट आपका कौन से टाइप का होगा, येलो ऑयल के टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 डिग्री में बच्चों अगर मैं इवन सीवी पाथवे लगाऊंगा तो आपका कॉप एलिमिनेशन, यहाँ पर इवन सीवी पाथवे के लिए आपका कॉप एलिमिनेशन होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, मैनेज कर लो। पी का टू और थ्री होना चाहिए, क्यू का आपका थ्री होना चाहिए, आर का आपका क्या होना चाहिए 4 सही है, और एस का आपका 1, तो मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, यहां पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मेरे हिसाब से आंसर भी बता दूंगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मुझसे किसी भी ऑप्शन में डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 32 में बच्चों देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपका विल नॉट गिव एन एन डाइमिथाइल बेंजेनामाइड, ठीक है। एन एन मतलब यहाँ पर एन एन डाइमिथाइल बेंजेनामाइड यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका बनाना चाहिए। एन एन डाइमिथाइल बेंजिनामाइड आपका कौन नहीं बनाएगा, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है, आप देख लेते हैं यहाँ पर एन एन डाइमिथाइल बेंजिनामाइड कौन नहीं देगा। आप लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को डील करो, डील करने पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। कौन सा आपका नहीं देगा, आप एक बार इस पर, हाँ ऑप्शन ए में आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लगा दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ए में, बी में भी आप लगा सकते हो और आप सी में भी लगा सकते हो। सी में तीनों में आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन लगाओगे तो आपको एन एन डाइमिथाइल बेंजिनामाइड मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप डी में क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये आपका अटैक ही नहीं कर पाएगा इस पर, या आपका इस कार्बन पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, और अटैक भी करेगा तो यहाँ पर एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलना इसका मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका CH3CH2 यहाँ पर NH, ये अगर आपका यहाँ अटैक करेगा तो ये आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ जाएगा तो आपका यहाँ पर एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ से बन सकता था लेकिन यहाँ से नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन होगा। क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन दिस रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड, ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन दिस रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोसीड, ये रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं होगा। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, आप लोग आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या बोलता है बच्चे यहाँ पर कि अ कंपाउंड ए हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO, ठीक है, ऑन टू ट्रीटमेंट विद Br2KOH, मतलब आपका क्या है Br2KOH, Br2KOH का मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन Br2KOH। ए गिव्स एनिलीन, यहाँ पर आपका एनिलीन बनेगा, ये मैंने ये इसने दिया हुआ है, वेरी गुड, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ आपका विच गिव कार्बिलामीन टेस्ट, ये आपका कार्बिलामीन टेस्ट देगा, हाँ देगा, अगर एनिलीन होगा, एनिलीन आपका कौन सा वाला 1 डिग्री एनिलीन आपका कार्बिलामीन टेस्ट देगा, ये आपका मतलब कार्बिलामीन टेस्ट दे सकता है। अब कार्बिलामीन टेस्ट देगा कौन सा CH3KOH, हाँ देगा कार्बिलामिन टेस्ट। बी अपॉन डाई एजोटाइल जेशन कपलिंग विद फिनोल गिव, हाँ ये आपका अगर डाई एजोटाइल जेशन कराने के बाद अगर मैं इसकी कपलिंग रिएक्शन कराऊं तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है बहुत, एक में आपको 3-4 रिएक्शन याद करने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं अगर इसका डाई एजोटाइजेशन कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर N2 N2 प्लस ये बन गया, और यहाँ पर आप कपलिंग रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है बच्चों, फिनोल के साथ जब आपका कपलिंग रिएक्शन कराना है तो यहाँ से ये वाला आपका कहाँ अटैक मारेगा, इस पॉइंट पर। नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा जो कि आपका डाई एजो टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपका डाई बन जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, देखो यहाँ पर NH2 है, इसका मतलब Br2 और KOH के प्रेजेंस में आपका CO ग्रुप का रिमूवल होता है, मतलब कार्बोनिल बॉन्ड का आपका रिमूवल होगा, तो कार्बोनिल बॉन्ड हम क्या बनाएंगे बच्चों, ये इस तरीके से बना देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में सारे सारे पहले क्वेश्चन को, सारे मेरे ऑप्शन को लिख लो क्या हो रहा है रिएक्शन में, उसके बाद आपको एक तुरंत आपको पता पड़ जाएगा कि ये रिएक्शन आपका ये है 100%।
ठीक है 33। अब आप इसका DOU निकाल के भी देख सकते हो, C7H7NO का DOU अगर मैं निकालना चाहूं, C7H7NO का DOU मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा बच्चों, C7 7 के साथ आपका 16 हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन की वजह से आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, इसमें आपको किसी को प्रेस नहीं, इसमें से एक हाइड्रोजन आपको माइनस करना है इसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 16 में से, अब देखो यहाँ पर 7 और ये आपका 7 और ये आपका 6 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों 10/2 और इसका DOU हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर बेंजीन का DOU 4 और इसकी वजह से DOU 1, टोटल DOU विल बी व्हाट 5, देन आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पर DOU निकाल सकते हैं। DOU आप लोग निकालना ऑब्वियसली जानते हो इन GOC में, तो GOC के हिसाब से हम लोग DOU निकाल लेंगे। ठीक है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोलता है बच्चों, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो देख लेते क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों क्या है, एक एनिलीन है रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आप लोगों को मैंने बताया था स्ट्रक्चर बना के भी कि SOOCl, ये क्या है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। अभी आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, व्हाइट प्रिसिपिटेट एंड इनसॉल्युबल। देखो वन डिग्री अमाइन आपका इसके साथ रिएक्शन करेगा, वन डिग्री अमाइन अगर आपका इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ C6H6SO2Cl इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर आपका कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पर आपका PPT बनाएगा जो कि आपके NaOH में क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन आपका टू डिग्री अमाइन आपका इसके साथ जब रिएक्शन कराएगा तो PPT बनाएगा और जो आपका NaOH में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। ये मैंने बताया था 3 डिग्री तो आपका रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है तो यहाँ पर आपका इनसॉल्युबल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका इनसॉल्युबल, आपको क्या पूछा, इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल इन एक्वस। अब देखो इनसॉल्युबल के लिए हमको 2 डिग्री फाइंड आउट करना है, 3 डिग्री तो आपका रिएक्शन ही नहीं करेगा, 3 डिग्री अमाइन आपका रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से आपका रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसमें से फाइंड आउट करो कि 2 डिग्री कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ए में आपका 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। बी में आपका क्या है, बी में आपका 2 डिग्री अमाइन है। सी में आपका क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। और डी में आपका क्या है बच्चों, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है 1 डिग्री अमाइन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के थ्रू कि आपका कितनी डिग्री अमाइन होगा। ठीक है नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 में ब्रोमो एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है इसमें आपको चारों करने, आप लोग चारों करो मैं आपको करेक्ट वाला बताता हूँ बच्चों। आप लोग मुझे चारों करके सबका प्रोडक्ट का आंसर आप मुझे भेजना, आप मुझे सारे के प्रोडक्ट, चारों के प्रोडक्ट बना के भेजो कि क्या बन रहा है, कुछ भी बने बने आप लोग मुझे बना के भेजो ताकि आप लोगों का रिएक्शन याद हो जाए। वैसे आपका सी, यहाँ पर सी आंसर होगा, मैं आपको इसका आंसर बना के बता देता हूँ बच्चों, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप लोग चारों ट्राई करना, ठीक है चारों ट्राई करना, इन द सेंस मैंने चारों क्यों बोला, ठीक है चारों इसलिए बोला कि ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखो SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका COCl, यहां पर आपका Br, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में NH2, नेक्स्ट स्टेप NH2 का मतलब अमोनोलाइसिस कराएंगे, मतलब हाइड्रोलाइसिस वाला ही पार्ट है। अमोनोलाइसिस तो क्या होगा बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, तो यहाँ से सी एल एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बन जाएगा CNH2 और यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बोलता है, Br2NaOH,
Br2, यहाँ पर आपका Br है, ठीक है, Br2NaOH, Br2NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, ये मेटा पे, सॉरी ये आपका मेटा पे, तो मेटा पे आप इस तरीके से बनाओ, ये आपका मेटा पर था तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या बनाओगे, मेटा पर बनाओगे, ठीक है। Br2NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सी, यहाँ पर आपका ये वाला बाहर निकल जाएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका NH2, यहाँ पर आपका ब्रोमीन, तो मेटा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा बेटा आपका प्रोडक्ट। तो आपको क्या बताना था, मेटा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, यह आपका इस तरीके से, लेकिन आपको चारों डील करने के, ऑप्शन नंबर ए भी आप लोग डील करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने पूरे वीक आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, मैंने आप लोगों की वजह से रिवीजन का टाइम मैंने बढ़ाया था ताकि आप लोगों का अच्छा हो जाए रिवीजन, लेकिन आप लोगों ने तो रिवीजन किया ही नहीं। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको निकालना है इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कौन सा मीडियम, यहाँ पर मीडियम से कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ का लोन पेयर आपका रेजोनेंस में होगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है 37 क्वेश्चन में, 36 भूल गया मैं, इसके बाद 36 से मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों, चलो मैं 36 पहले डिस्कस कर लेता हूँ, 36 स्किप हो गया था। देखो 36 आपका सेकेंडरी अमाइन ऑन रिडक्शन कराएंगे सेकेंडरी अमाइन का, तो आपका क्या बनाएगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी अमाइन आपका कब बनेगा, हमेशा आइसोसाइनेट के केस में, आइसोसाइनेट के केस में हमेशा आपका सेकेंडरी अमाइन बनता है, मैंने आपको बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ और ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइसोसाइनेट आपका कौन सा है, इसमें आके केवल और केवल डी ऑप्शन आपका आइसोसाइनेट है, डी ऑप्शन आपका आइसोसाइनेट है, ठीक है, 36 हो गया। अब 37 में आपको क्या बोला है बच्चों, एक ये वाला कंपाउंड दिया है एनिलीन, ठीक है, सेकेंड आपको कौन सा कंपाउंड दिया है, एक आपका ये वाला कंपाउंड दिया है CH3, एक आपका यहां पर कौन सा कंपाउंड दिया है, एक आपका ये वाला कंपाउंड दिया है CH2NH2। अब देखो यहां पर इनके लोन पेयर आपके रेजोनेंस के अंदर डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसके तो कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन यहां से इसको इंडक्टिव प्लस आई भी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है, लेकिन यहां से तो आपका डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा है, यहां से केवल और केवल आपको प्लस आई मिल रहा है, इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको प्लस आई मिल रहा है, मतलब ये, अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का जनरली ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से नाइट्रोजन पे आपके सबसे मैक्सिमम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके सी वाले पे मैक्सिमम है, तो सी का बेसिक ऑर्डर ज्यादा होगा, उसके बाद आपका बी का होगा, उसके बाद आपका ए का होगा, ए आपका सबसे लेस बेसिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर मिनिमम है। बेसिक ऑर्डर चेक करने के लिए या तो हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट कर लेना है, सबसे पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, और सेकेंड स्टेप अगर एक्वस सोल्यूशन हो जाए तो वो डोनेशन करने की टेंडेंसी कितनी लगता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन विल नॉट गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। देखो आप देखो यहां पर बोल रहा है कि मैंने प्रिपरेशन मेथड में लिए, मैंने रिएक्टेंट में जितने कार्बन लिए थे उतने मेरे प्रोडक्ट में भी आ जाए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, यह आपको बोला है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उससे कम हो या फिर उसके बराबर ना हो, इक्वल ना हो, ठीक है। तो पहले में देखते हैं बच्चों एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल का रिएक्शन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराऊ, एल्काइल नाइट्राइल मतलब CN का रिएक्शन, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आपका चेंज नहीं हुआ, देखो CCRR चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिमिलर होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। 38 क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ कार्बन ए ऑप्शन में, रिएक्शन विद अमाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्रीटमेंट विद वाटर, रिएक्शन ऑफ अमाइड मतलब RCONH की रिएक्शन, अगर NH2 की रिएक्शन अगर मैं यहां पर कराऊ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो RCH2NH2 बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, हीटिंग विद अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम सॉल्ट, हीटिंग विद अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैंने पोटेशियम सॉल्ट ऑफ गैब्रियल थैलामाइड
विद हाइड्रोलाइसिस। अरे बेटा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, दिस इज द व्हाट, गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलामाइड में आपका क्या होता है बच्चों, जहां पर आपका इस तरीके से रिएक्शन होगा, या आपका यहां पर क्या आता है, के प्लस आता है, इस तरीके से आपका रिएक्शन का प्रोसीजर होता है। अब के हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और यहां से आपका, यहां से आर एन एच टू बन जाएगा, तो सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन बनता है बच्चों। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को ध्यान से देखनी है। ये आपका यहाँ आएगा तो, और यहाँ से आपका अमाइन तो बाहर निकलता है बच्चों, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटमेंट विद अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अमाइड की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन के साथ कराऊं इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो आपका क्या होगा, ये वाला ग्रुप ही हट जाएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, अमाइन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप देख सकते हो कि इन सब में सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन बना है, लेकिन इसमें आपका सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन नहीं बना है। देखो ये वाला कार्बन आपका गायब हो गया, गायब हो गया, इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, 39, 39 में आपको क्या है, कॉलम मैचिंग। अरे वाह, 39 आपका कॉलम मैचिंग है बच्चों, देख लेते हैं 39, 39 क्वेश्चन आपका कॉलम मैचिंग है। तो यहाँ पर लिस्ट वन लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लिस्ट सेकंड, ये मैंने दो कंपाउंड बना दिए। नाउ अब हम देख लेते हैं बच्चों बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को मैं सीधा लिखता हूँ हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट, अब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl, इस तरीके से आपको लिख लेना चाहिए हमेशा, सल्फानिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सल्फानिलिक एसिड मतलब एनिलिन के साथ SO3, ठीक है, SO3H, वेरी गुड। बेंजीन बी आपका सल्फानिलिक एसिड, बी आपका सल्फानिलिक एसिड, ठीक है, डी आप यहाँ पर, सी आपका, आप इसमें कंफ्यूज हो गए, ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, एल्काइल डाई अजोनियम सॉल्ट R2N2+, ठीक है, एल्काइल डाई अजोनियम सॉल्ट ये हो गया, और एक है बच्चों आपका अराइल डाई अजोनियम सॉल्ट, मतलब डी आपका क्या है, ArN2+, ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, अब आपका क्या कर रहा है, ज्यूटराइन, ज्यूटराइन कौन बनाएगा। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बायो मॉलिक्यूल में बताया था बच्चों कि ये आपका ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर आपने किसी ने बायो मॉलिक्यूल पढ़ा होगा तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपका कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। ये आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। सेकंड आपका हिंसबर्ग, देखो सेकंड ऑप्शन तो आपको वैसे ही मिल गया ना, सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही आपको मिल गया हिंसबर्ग रिएजेंट, तो आप लोग अब कर सकते हो कॉलम मैचिंग में, इसको ऐसे कर दो, कोई बात नहीं। डाई, डाई कौन बनाएगा, डाई तो यही बनाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर डाई है, तो डाई आपका केवल और केवल अराइल वाला बनाएगा, अल्काइल वाला तो स्टेबल ही नहीं होता, इट इज अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड होगा तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी का आंसर ए का 2, बी का 1, वेरी गुड, सी का 4, और ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, काफी इजी पेपर था बच्चों, जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा इजी है पेपर आपका ये पेपर, सीरियसली बच्चों काफी इजी है। इस पेपर में अगर 60+ मार्क्स नहीं आते तो आप लोगों का पढ़ना वेस्ट है बच्चों, आप लोग पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपके उस लायक नहीं है, सारे क्वेश्चन कॉपी में, इन कॉपीज, एक भी क्वेश्चन आपके कॉपी के बाहर ही नहीं है बच्चों, अगर कॉपी के बाहर होता तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता कि क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन को सोल्व करने में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा बच्चों। NO2, ठीक है, सॉरी NH2, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2, और यहाँ पर C6H5, मतलब अराइल लिख देता हूँ, यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन लिख देता हूँ, चलो ठीक है, C6H5 NH2। अब क्या होता है,
इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है तो किस तरीके से करूंगा बच्चों, यहाँ पर मैंने ले लिया, क्या ले लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ सबसे पहले समझना। यहाँ पर मैं HNO2 लूंगा, HNO2 लूंगा तो ये आपका क्या बना देगा, देखो ध्यान से मैंने आपको बताया था HNO2 यहाँ पर N2+ बनाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होने की वजह से H2O के साथ रिएक्शन करके C2H5OH बना लेगा। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराऊंगा, HNO2 के साथ रिएक्शन कराने पर C6H5N2+ बना लेगा जो कि आपका थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, और थोड़ा बहुत स्टेबल होगा तो ये आपका बीटा नेप्थोल के साथ, क्या बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्शन करके आपका यहाँ पर क्या बना लेगा, डाई एजो सॉल्ट बना लेगा। तो आपका यहाँ पर अब ये इसके साथ रिएक्शन करके आप समझ सकते हो, थोड़ा सा इसको ध्यान ध्यान दोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड भी आप लोगों को बनवाया था कॉपी में, C6H5, इस तरीके से आपको कंपाउंड बना लेता है। तो बीटा नेथोल आपको इसको डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है। अब देखो कार्बोलामाइन टेस्ट में तो दोनों का साइनाइड आ जाएगा, हिंसबर्ग दोनों देश हिंसबर्ग आपका ये भी देगा ये भी देगा, वेरी गुड, NaOH के साथ, हाँ चलो ठीक है। तो आपका केवल और केवल कौन करेगा, बीटा नेप्थोल, ठीक है। तो बीटा नेप्थोल, अब देखो 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, 41 क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है बच्चों। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका कौन सा है, 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर सारे कंपाउंड में बना देता हूँ, आप लोग समझ लेना अपने हिसाब से कि किस तरीके से मैंने डिटेल किया है बच्चों। बच्चों आप डीलिंग मेथड समझो, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफी ज्यादा टफ लेके चलते हो, लेकिन इसका डील करने का मेथड जिस दिन आप लोगों ने समझ लिया वो आप लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। NH2 देखो यहाँ पर ये डिलोकलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, पहला स्टेप है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर लेने का, यहाँ पर भी डिलोकलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम यहाँ पर तो नहीं होगा। जहां पर आपका क्या पिरिडीन का लोन पर आपका डिलोकलाइज होता है, नहीं होता, पिरिडीन का लोन पेयर आपका डीलोकलाइज नहीं होता, होता है कि नहीं होता बताओ, पिरिडीन का लोन पेयर आपका डीलोकलाइज होता है कि नहीं होता। अरे बच्चों यहाँ पर आपका तीन बॉन्ड है ना, तो ये अभी आपका डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज केवल और केवल कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। ये आप लोगों को आना चाहिए था, क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब डाई एजोनियम सोल्ट एंड रिएक्शन प्रोडक्ट्स बिटवीन नाइट्रस एसिड, ठीक है, डाई एजोनियम आर रिएक्शन प्रोडक्ट बिटवीन नाइट्रस एसिड एंड डाई एजोनियम सोल्ट आर रिएक्शन रिएक्शन प्रोडक्ट बिटवीन नाइट्रस एसिड एंड, हाँ तो यहां पर डाई एजोनियम सोल्ट हमको किससे मिलेगा, कहने का मतलब है डाई एजोनियम सोल्ट हमको किससे मिलता है, 1 डिग्री अमाइन से मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन से मिलेगा, या फिर मेरा एनिलीन से मिलेगा डाई एजोनियम सोल्ट, ठीक है। अब देखो डाई एजोनियम सोल्ट प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन से, ठीक है, बन जाएगा यहाँ पर, और लेकिन 1 डिग्री अमाइन आपका क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा, एल्कोहल बना देगा, लेकिन एनिलीन आपका क्या बना देगा, एरोमेटिक होने की वजह से यहाँ पर आपका क्या बना देगा बच्चों, डाई एजोनियम सोल्ट में स्टेबल हो जाएगा, डाई एजोनियम सोल्ट में आपका स्टेबल हो जाएगा, तो आपका कौन सा आंसर होगा, जो आपका एरोमेटिक वाला होगा। तो प्राइमरी एलिफेटिक आपका क्या बनाएगा, एल्कोहल, ठीक है। एन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन आपका क्या बनाएगा बच्चों, सेकेंड डिग्री आपको मैंने बताया था ना, सेकेंड डिग्री में आपका क्या बना लेता है, RNHNO नाइट्रोसो कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। और 3 डिग्री तो आपका रिएक्शन ही नहीं करता, 3 डिग्री अमाइन आपका क्या होता है बच्चों, रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन का भी मैंने बता दिया, एन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन, एन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन मतलब ये आपका ये वाला कंपाउंड बोल रहा है वो, देखो एन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड अमाइन, इसमें भी आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो टाइप का कंपाउंड बनेगा, तो ये भी आपका रिएक्शन नहीं करेगा, केवल और केवल क्या करेगा, एरोमेटिक प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड। देन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। एक एक कंसेप्ट आप लोगों को थियोरी मैंने पूरा लिखा रखा है, आप लोगों को अगर फिर भी कोई दिक्कत है थियोरी पोर्शन से तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, इथाइल मिथाइल प्रोपाइलामाइन फॉर्म सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजिबल। बच्चों ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखो CH3 C2H5 अब यहाँ पर लॉन्ग पेयर होता है, और एक आपका C3 यहां पर C3H7, ये आपका क्या होता है बच्चों, रैपिड इक्विलिब्रियम में। कौन से इक्विलिब्रियम में होता है, रैपिड इक्विलिब्रियम में। रैपिड इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ये रिंग आपका फ्लिप कर जाता है, रिंग आपका फ्लिप कर जाएगा, तो रिंग फ्लिपिंग की वजह से इस ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। रिंग आपका फ्लिपिंग होने की वजह से ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, यहाँ पर रिंग आपका कंटिन्यूअस फ्लिप होता रहता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर रिंग फ्लिपिंग, ड्यू टू द फ्लिपिंग की वजह से ये आपका क्या होता है बच्चों, रैपिड इक्विलिब्रियम में रहता है, और हाँ हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको भी हम कभी भी काइरल सेंटर नहीं बोलेंगे, आपको काइरल सेंटर में बताया गया होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों क्या होगा, CO2 की रिएक्शन जब मैं A के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, B बनेगा। B की रिएक्शन में अगर P2O5 के साथ कराऊंगा, मतलब मुझे हीट करना है या फिर मुझे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला कुछ काम करना है, बहुत बढ़िया। C बनेगा, C के साथ में अगर D के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, C2H5 CH3 CHN C2H5 COCH3, यह आपका यहाँ पर डिहाइड्रेशन का काम करेगा। सबसे पहले A आपका क्या होगा, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ बच्चों, ये आपका CH3MgX बनेगा, क्योंकि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है एंड में, तो देख सकते हो इस पॉइंट से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी आना चाहिए। तो देख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर CO, यहाँ पर आपका CH3 अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3COOH, ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में N इथाइल ब्यूटेनामाइन मतलब C2H5, एक दो तीन चार, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। सेकंड स्टेप में ये आपका यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सेकंड स्टेप में एन इथाइल ब्यूटेनामाइन एंड डी, आपसे क्या पूछा ए एंड डी, तो ए तो आपका आ गया, ठीक है, ए तो आपका आ गया, डिहाइड्रेशन कर दिया, तो यहां से डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपका H2O का लॉस हो जाएगा, ठीक है, H2O का लॉस हो जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल के साथ आपका ये एस्टर बना लेगा, दो मॉलिक्यूल के साथ आपका ये कैसा बना लेगा बच्चों कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल होगा तो आपका ये इस तरीके से कंपाउंड को फॉर्म कर लेगा, ठीक है, ये बना लिया सी डिहाइड्रेशन मतलब एस्टरीफिकेशन, मतलब H2O का लॉस होगा, इस तरीके से आपका बनेगा, ये आपका सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आपको डी पता लगाना है कि डी आपका क्या होगा, तो डी के लिए अब जब ये आपका यहाँ अटैक करेगा तो ये आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। देखो COCH3 N आ गया, अब N के साथ C2H5, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपका क्या है C2H5 N इथाइल 2 ब्यूटेनामाइन, टू पर है बच्चों, टू पर N इथाइल 2 ब्यूटेनामाइन, मतलब ये आपका इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से अब आपका अटैक करेगा तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डी आपका ये वाला कंपाउंड आपका, डी आपका ये हो जाएगा, डी आपका ये हो जाएगा, और ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 माइनस कौन देगा, MgX ये देगा ग्रिग्नार्ड, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे, आप चारों ऑप्शन से बना के देखना कि कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं बच्चों, मैं आपको फिर आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट खींचना कि चारों ऑप्शन से आपके कौन कौन से आए, क्योंकि जब तक आप चारों ऑप्शन को डिस्कस करना नहीं सीखोगे तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कमांड नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 लीबरमान टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 46 आपका लीबरमान टेस्ट, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर कि 46 में लीबरमान टेस्ट आपका कौन देता है, लीबरमान टेस्ट आपका 2 डिग्री अमाइन
डिग्री अमाइन जब HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा, और नाइट्रोसो कंपाउंड आपका फिनोल के साथ रिएक्शन करके, फिनोल के साथ रिएक्शन करके आपका लीबरमान टेस्ट देता है, ठीक है, लीबरमान टेस्ट देता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर आपका लीबरमान टेस्ट आपको कौन देगा बच्चों, 2 डिग्री अमाइन, ध्यान रखना इस बात का। ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट 47, ये आपको मैंने नहीं बताया होगा लेकिन आप लोग इसको ध्यान से समझना। 47 क्वेश्चन आप देख रहे थे, 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन में नंबर ऑफ अमाइन आर पॉसिबल ऑफ कंपाउंड दैट फॉर्मूला इज, देखो 47 क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ अमाइन बताने कि नंबर ऑफ अमाइन, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, DOU, DOU कैसे निकालोगे, C के साथ 3 कार्बन के साथ आपके कितने नाइट्रोजन होने चाहिए, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए बच्चों, 3 कार्बन के साथ आपके यहाँ पर 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, 3 कार्बन के साथ आपके यहाँ पर 3 है ना कार्बन, हाँ, तो 3 कार्बन के साथ आपके यहाँ पर 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आपका, ये आपका इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका यहाँ पर मैंने NHCS3, देखो 3 3 6 7 8 9, ये बन गया, ये बन गया एक, दूसरा आपका क्या बन सकता है, दूसरा आपका ऐसा भी बन सकता है, 6 नहीं, ये आपका नहीं बनेगा, दूसरा आपका कैसा बन सकता है बच्चों, यहाँ पर, यहाँ पर 2, दूसरा आपका ऐसा भी बन सकता है, CH3 बन जाएगा, ये आपका दूसरा बन जाएगा, ठीक है, दूसरा भी आपका बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब और भी बनेगा आपका, और कैसे कैसे बना सकते हैं बच्चों, हम लोग देखते ध्यान से, और अब हम कैसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर ये इस तरीके से, और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर मैं अगर, ये तो एक तरीके से बन गया 9 हाइड्रोजन, ठीक है, 9 हाइड्रोजन आपके होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक इस तरीके से बन सकता है, CH3 CH2 CH2 NH2, प्राइमरी बना दिया, ठीक है, प्राइमरी बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, एक मेरा ये भी तो बन सकता है बच्चों, CH NH2, ये भी मेरा बन सकता है, तो ये मेरा 2 डिग्री, ये मेरा 3 डिग्री, ये मेरा 1 डिग्री, ये मेरा 1 डिग्री, तो इस तरीके से आपके कितने बन जाएंगे टोटल, 4, ठीक है, 4 के अलावा कोई नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 48 आपका कौन सा होगा, ध्यान से समझेंगे। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अमाइन विल गो अंडर डाई एजोटाइजेशन, आपका इसमें से कितने डाई एजोटाइजेशन के लिए जाएंगे, एक तो 1 डिग्री जाएगा आपको पता है, 1 डिग्री ओनली आपका एरोमेटिक जाएगा, एरोमेटिक का डाई एजोटाइजेशन होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या होगा, NN डाई इथाइल इथेनामाइड नहीं होगा बच्चों, हाँ एनिलीन का हो जाएगा, एनिलीन आपका डाई एजोटाइजेशन करेगा, वेरी गुड, पैराब्रोमो एनिलीन भी आपका डाई एजोटाइजेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2,4-ट्राइब्रोमो एनिलीन, वेरी गुड, ये भी आपका करेगा, 2,4-ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4-ट्राइब्रोमो एनिलीन ये आपका नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, 2,4-6-ट्राइब्रोमो एनिलीन ये भी आपका, ये आपका कट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब लास्ट वाला बता देता हूं बच्चों, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन मतलब ये तो आपका आपका एरोमेटिक नहीं है ना, ओनली एरोमेटिक वाले करेंगे, और आपका ये हो गया 1 2 3, टोटल कितने आ जाएंगे बच्चों इसका आंसर, 3, 48 क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चों आपका, 3। अब नाउ स्टार्ट करते हैं हम 49 क्वेश्चन, तो 49 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर CH2 के साथ, अब ध्यान रखना बच्चों इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि CH2 आपका एक टाइप का टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है, CH2 वाला आपका होता है मर्क्यूरी टेस्ट, ठीक है, मर्क्यूरी टेस्ट, और यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चों, आपका एक अलग टाइप की गैस निकलती है जो कि आपके काफी ज्यादा पॉइजनस होती है, लेवोसाइट, ठीक है, जो कि आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काम आई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना CH2 के साथ रिएक्शन कौन करेगा बच्चों, केवल और केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री करता है, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पर 1 डिग्री और 2 डिग्री कौन कौन से होंगे, तो 1 डिग्री में आपका कितना होगा टोटल, यहाँ पर एक तो आपका यहाँ पर कर जाएगा टेस्ट, कौन सा, यहाँ पर आपका थर्ड वाला कर जाएगा, एक और कर जाएगा यहाँ पर
लास्ट वाला। और यहाँ पर आपका और कौन सा कर जाएगा टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद, एक तो आपका यहाँ पर एनिलिंग, तो जो टोटल इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका चार आ जाएगा, ठीक है। चार आपके टेस्ट करेंगे, एनिलिन नहीं करेगा, एनिलिन आपका ध्यान रहे नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। 1 डिग्री वाले सारे कट जाएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है वो नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका चार आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को हम कैसे डिस्कस करेंगे बच्चों, ध्यान से। अब हमको बोला है कि HNO2 का, ठीक है, विच ऑफ द कंपाउंड विच फॉलोइंग रिएक्ट विद HNO2 बाय फॉर्मेशन ऑफ CN बॉन्ड, CN बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से कंपाउंड में होगा। तो ध्यान रहे, मुझे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन का मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप देखो HNO2 से नाइट्रोसिलियम आयन निकलेगा, अब नाइट्रोसिलियम आयन आपका यहाँ अटैक नहीं करेगा, यहाँ अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, अब देखो यहां पर CN बॉन्ड बना, यहां पर आपका कौन सा बॉन्ड बना बच्चों, CN बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ऊपर वाले में, पहले वाले में तो बच्चों आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल, दूसरे वाले में भी आपका एल्कोहल बनेगा, तीसरे वाले में भी आपका एल्कोहल बनेगा, लेकिन ये तो आपका एरोमेटिक है, ये तो आपका क्या है बच्चों, एरोमेटिक है, तो यहाँ पर आपका एल्कोहल नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि आपका पेपर काफी अच्छा गया होगा। सो थैंक यू सो मच।